ओम शांति। 4 जनवरी 2021 साकार मुरली सार। बाबा ने आज कहा कि बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे और एक बाप से ही सुनेंगे तो माया का वार नहीं होगा। बाप का डायरेक्शन मिला और बच्चों ने माना, दूसरा कोई भी संकल्प तक भी ना आए। बाबा ने कहा इसी रूहानी सर्विस में हम लग जाएं और किसी की भी याद नहीं आनी चाहिए। आप मुए मर गई दुनिया तब ऊंच पद पा सकते हैं। बाबा कहते हैं कि पहली बात ये पवित्र बनना है, तभी तो बुद्धि में धारणा होगी। यहाँ के कायदे बहुत कड़े हैं। आगे कहते थे 7 रोज भट्टी में रहना है और कोई की भी याद ना आए, पत्र आदि भी नहीं लिखना। बाबा कहते तुम्हारा पुरुषार्थ ही है नर्स से नारायण बनने का। मोह की रग कम नहीं है, नष्टो मोहा होना है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। बाबा कहते पहले से ही बाबा बता देते कि माया खूब सताएगी, वानप्रस्थ अवस्था में भी विकार के संकल्प लेकर आएगी, मोह उत्पन्न हो जाएगा। बहुत लिखते हैं बाबा कृपा करो, मैं थोड़ी किसी पे कृपा करूंगा। यहाँ तो तुमको श्रीमत पर चलना है, कृपा करो तो फिर सब महाराजा ही बन जाएंगे। बाबा आज विशेष एक बात बताते कि मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में ही आकर प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं, बाबा कहते ये पूरा भक्त था, नारायण की पूजा करता था, इनमें ही प्रवेश कर फिर इनको नारायण बनाता हूँ। बाबा कहते भारत का राज्य बहुतों ने छीना, मुसलमानों ने, अंग्रेजों ने, पर सबसे पहले रावण ने छीना। फिर बाबा कहते कि बच्चे सब बातें छोड़, मामी कम याद करो, ऐसे नहीं कोई सामने आकर बैठ जाए का दृष्टि देते रहो, नहीं अपना चार्ट रखो, सारे दिन में कितना याद किया, सवेरे उठ कितना समय बाप से बातें की, आज बाबा की याद में बैठे, ऐसे नहीं पवित्र रहना है। बहुत बच्चे शादी कर पवित्र रहते हैं, हाँ किसी बच्ची पर मार पड़ती है तो बाबा उसका गंधर्वी विवाह कराने के लिए कह देते हैं, गंधर्वी विवाह कर पवित्र भी रहते हैं। फिर कई स्त्रियां भी हार खा लेते हैं, बाबा कहते तुम तो श्रूप न खाओ। यहाँ तो बाबा कोई भिखारी को बैठने भी ना दे। आज बाबा की रात्रि मुरली भी है। बाबा ने कहा रात्रि मुरली में कि जो पास्ट हो गया है अगर उनको उस बात को हम रिवाइज करते हैं और जो कमज़ोर दिल के हैं तो उनकी कमजोरी भी रिवाइज हो जाती है। ये बहुत बड़ी साइकोलॉजी की बात बताई, इसलिए बच्चों को ड्रामा के पट्टे पर ठहराया गया। बाबा कहते ये पाठ रील भरा हुआ है, पाठ का रील भरा हुआ है और हमारा प्रारब्ध का पाठ है बाबा का शांति धाम का पाठ। बाबा कहते हैं जब ये पूरा ज्ञान हो जाएगा, ना देने वाले के पास रहेगा ना लेने वाले में कमी रही, तो दोनों एक समान हो जाएंगे। ये शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की बात हो रही है, इसमें विचार सागर मंथन करने की बुद्धि चाहिए। बाबा कहते कि तुम आदि मध्य अंत को जानते हो, बाबा नॉलेज फुल है फिर हम भी फुल हो जाएंगे, लेकिन एक बात है सभी कुछ ले लेते हैं बाप से, फिर भी बाप तो बाप ही है, तुम आत्माएं आत्मा ही रहेंगे, बाप होकर तो नहीं रह सकते, सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है, इसमें निडर रहना है। योग वाले निडर रहेंगे, योग से शक्ति मिलती है और ज्ञान से धन मिलता है। बाबा कहते जितना अशरीरी होते जाएंगे, बाप को याद करते जाएंगे, उतना नजदीक आते जाएंगे। बाबा कहते देवताएं तो सदैव निरोगी पावन हैं, बाबा ऐसी संजीवनी बूटी देते कोई भी बीमार ना पड़े, ऐसी अविनाशी दवाई करते हैं। बाबा जो सिखलाते हैं समझाते हैं वही राजयोग है, जो पक्के निश्चय बुद्धि है वही माला का दाना बनते हैं। लौकिक बाप इतनी कमाई नहीं कराते जितना परलौकिक बाप कमाई कराते। बाबा वरदान देते कि अपने स्वरूप द्वारा भक्तों को लाइट के क्राउन का साक्षात्कार कराने वाले इष्ट देव हो।
बाबा ने कहा, जब से पवित्रता की प्रतिज्ञा की तो रिटर्न में लाइट का ताज प्राप्त हो गया, जिसके आगे रतन जड़ी ताज कुछ भी नहीं। हम जितना संकल्प बोल कर्म में पवित्रता को धारण करते जाएंगे, उतना ये लाइट का क्राउन स्पष्ट होता जाएगा और फिर हम भक्तों के आगे प्रत्यक्ष हो जाएंगे। बाबा ने आज हमें अपनी छत्र छाया में रहने को कहा, जिससे हम विघ्न विनाशक बन जाएंगे। ओम शांति।